नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ बिहार झारखंड 12 जनवरी मंगलवार। खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज की मुख्य समाचार। बिहार को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, आज पटना पहुंची 5.5 लाख वैक्सीन। ओर मांझी हत्याकांड में 10 दिन बाद रांची पुलिस के हाथ लगी सफलता, खेत से बरामद हुआ लड़की का कटा सिर। हाजीपुर में देह व्यापार गैंग की कैद से भागी लड़की, सड़क पर रो रोकर मांगी लोगों से मदद। झारखंड के रामगढ़ में सेक्स रैकेट के चुंगल से दो नाबालिग लड़कियां हुई मुक्त। सुपौल के प्रतापगंज में 9 साल बाद दौड़े की ट्रेन, लोगों में दिखी खुशी की लहर, लोगों ने पीएम मोदी को बोला धन्यवाद। अब खबरें विस्तार से। देश भर में होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बिहार के लिए बड़ी खबर है। आज बिहार को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है। करीब 5.5 लाख डोज बिहार पहुंची है। इस मौके पर पटना एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और प्रधान सचिव मौजूद रहे। इस दौरान मंगल पांडे ने कहा कि 8 स्वदेशी वैक्सीन हमारे पटना में आई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। और मांझी हत्याकांड मामले में रांची पुलिस को घटना के 10 दिन बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रांची के पैठोरिया इलाके के चंद्रे गांव में खेत से कटा हुआ सिर बरामद किया है। पुलिस पिछले 10 दिन से सिर की तलाश में जुटी थी। इससे पहले मंगलवार सुबह अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस चंद्रे गांव पहुंची और तालाब खेतों में सिर की तलाश की। सिर को गड्ढा खोदकर दबाया गया था। बता दें कि रांची के और मांझी इलाके में युक्ति ही जंगल में सिर कटी लाश मिली थी। आशंका है कि रेप के बाद युक्ति की हत्या कर दी गई है। बिहार के हाजीपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। पुलिस को खबर मिली कि एक मकान से एक लड़की भागती हुई बाहर आई और लोगों से मदद मांग रही है। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जांच की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि यह देह व्यापार गैंग का जाल है। पुलिस को जांच में पता चला कि किराए के एक मकान में एक लड़की को 8 दिनों से कैद किया गया था, जिसने मौका देखकर बाहर निकलकर मोहल्ले के लोगों को सारी बात बताई। लड़की ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने उसे बेचने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले से 2 नाबालिग लड़कियों को सेक्स रैकेट चलाने वाले गैंग से बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन की मदद से उनका रेस्क्यू किया गया है। दोनों बच्चियों का मेडिकल कराने के बाद चाइल्ड लाइन रामगढ़ में रखा गया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये मामला सेक्स रैकेट से जुड़ा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाबालिग लड़कियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर सेक्स रैकेट में धकेला जा रहा था। दीदी को हमने किसी से बात करते सुना कि वो हमें रामगढ़ से कोलकाता भेजने की तैयारी कर रही हैं। बिहार के सुपौल से देश के अलग अलग हिस्सों में रेल से सफर करने के इंतजार में बैठे लोगों में ट्रायल इंजन के पहुंचते ही खुशी की लहर दौड़ गई। 20 जनवरी 2012 यानी बीते 9 साल के बाद प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी रेल लाइन का पहला ट्रायल इंजन पहुंचा। यह देख वहां मौजूद लोगों ने कहा कि करीब दशक भर बाद ट्रेनों के चलने की आस जागी है।
रेल इंजन की सीटी बजते ही हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग प्रतापगंज स्टेशन पर उमड़ पड़े। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बता दें कि पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले कोसी नदी पर बने रेल महासेतु पर ट्रेन प्रचालन को हरी झंडी दिखाई थी। आज इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।